हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब मज़े कर रहे होंगे, बढ़िया होंगे सभी लोग अपने घरों में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स की पोइम को, और जो पोइम का नाम है वो वोकेशन। जो इस पोइम के जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो कौन है? वो है गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? आप लोगों को नहीं पता होगा, जो गुरुदेव हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और जो इनको जो ये उपाधि दी गई थी, ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। और जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इस जो वोकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पोएम को, ऑन योर वे टू स्कूल। आप अपने जो स्कूल में या फिर मार्केट में, यू सी मैनी पीपल, आप बहुत लोगों को देखते होंगे एट वर्क, जो अपने जो काम है वो कर रहे हैं। इन पेयर्स, जोड़ों में डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस, डिस्कस करो कि आपने क्या नोटिस किया, कि जो लोग आपने जो देखा है क्या क्या वो काम कर रहे हैं। कोई शॉपकीपर है, कोई ऐसे ही स्ट्रीट हॉकर है, कोई जो आपको खिला रहा है, कोई गोलगप्पे बना रहा है। तो अलग अलग लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई आपकी जो बाइक है उसको, साइकिल है उसको रिपेयर कर रहा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्या करते हैं, वोकेशन वो लेते हैं। तो उसी पर ये इन्होंने बोले, यू मे रीड लाउड, यू मे रीड इट अलाउड, यानी कि आप जोर से पढ़ सकते हो विद ए पार्टनर, एक पार्टनर के साथ, इफ यू लाइक, अगर आपको ऐसा लगे। तो ये पोएम है बच्चों, एक बच्चे के बारे में है जो भी एक स्कूल में जाता है। और व्हेन द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, जो भी वो बच्चा है, जब सुबह के 10 बजते हैं, वो अपनी जो लेन, अपनी गली है, वहाँ से स्कूल में जाता है। एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग, जो होकर होते हैं वो होते हैं जो आपकी गलियों में कुछ बेच रहे होते हैं, उनके लिए ये जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो हर दिन क्या होता है, ये बच्चा है जो अपने जो होकर्स को देखता है अपने स्कूल की तरफ जाते हुए, वो क्या बेच रहे होते हैं, बैंगल्स, चूड़िया वो बेच रही होती है, क्रिस्टल बैंगल्स, वो क्रिस्टल के जो चूड़ियाँ वो बेच रहे होते हैं। देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, जो भी वो है उसको कोई भी जल्दी नहीं होती कहीं पर जाने की, जैसे जो बच्चा होता है उसको स्कूल में जाने की जल्दी होती है, टाइम से उनको पहुंचना होता है। तो और वो जो होता है बैंगल्स जो बेचने वाला, जो स्ट्रीट होकर, तो उसको, चूड़ी बेचने वालों को कहीं भी जल्दी नहीं होती, वो हमेशा आराम से ही आते हैं। देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उसको कोई रोड ऐसा नहीं है कि उसको इसी रोड से जाना है। बच्चे को तो एक पाथ होता है उनका कि भाई इसी गली से आपको जाना है स्कूल के लिए, ये नहीं कि वो वाली ले लें। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, तो उनको जैसे उस बच्चे को स्कूल में जाना होता है वैसे उनको नहीं जाना होता। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और जो बच्चे हैं स्कूल से जब वापस आते हैं तो एक प्रॉपर टाइम पे उनकी छुट्टी होती है। तो इस प्रकार से जो है, जो चूड़ी बेचने वाले से जो बच्चा है अपनी जो लाइफ है वो कंपेयर करता है। आई विश आई वर ए होकर, बोलता है कि मैं कामना करता हूँ वो बच्चा कि मैं क्या होता, चूड़ी बेचने वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, जो अपना पूरा दिन है वो रोड पे बिताता, सड़क पे, क्राइंग, चिल्लाते हुए, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़िया ले लो, चूड़िया ले लो, ऐसे वो बच्चा बेचने की, उन चूड़ियों की कामना करता है। और खुद को क्या बनना चाहता है, वो स्ट्रीट होकर एक चूड़ी बेचने वाला। वेन एट फोर, जब 4 बज जाते हैं इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जो 4 बजे वो स्कूल से वो बच्चा वापिस आता है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो उस जो गेट है वहाँ से एक जो गार्डनर, एक गार्डन में वो देखता है कि जो माली है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को खोद रहा है वो। ही डज वॉट ही लाइक, उसको जो मन में वो करता है, वो उसका जो मन करता है वो वही करता है।
विद हिज पेड, जो अपने जो भाले से जो उसने लिया हुआ है अपना जो ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, जो अपने जो कपड़े हैं उनको वो मिट्टी से भर लेता है, परंतु जब यही बात हो बच्चा करता अपने जो कपड़े गंदे करता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं जो मम्मी पापा हैं उनको डांट देते हैं, और दूसरी तरफ जो माली है उसको डांटने वाला कोई नहीं होता। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, उसको कोई बताने वाला नहीं होता कि तुम्हें ये करना है। इफ़ ही गेट्स पेक्ड इन द सन और गेट ड्राई, और तो बोलता है कि जैसे वो अगर वो खेल रहा होता है गार्डन में तो उसकी जो मम्मी है वो बोल देती है कि तुम आ जाओ भाई धूप में बीमार पड़ जाओगे, अगर बारिश में खेल रहा होता तो बुला लेती है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और दूसरी तरफ जो है गार्डनर है उसको ऐसा करने से रोकने वाला कोई नहीं होता, जब उसका मन करता वो गार्डन में काम करता रहता है। आई विश आई वर ए गार्डनर, तो गार्डनर एक माली बनने की वो बच्चा कामना करता है। डिगिंग अवे एट द गार्डन, जो गार्डन में है ये खोदता रहेगा, एंड नो विद नो बडी टू स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग, क्योंकि उसको जो रोकने वाला उस गार्डन में और कोई नहीं होगा, वो खोदता रहेगा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही जो शाम को डार्क हो जाता है अंधेरा हो जाता है, एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, तो जो उसकी जो माँ है वो उसको सुला देती है, उसको बोलते कि बच्चा सो जाओ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो वो जो अपनी जो विंडो है उससे देख सकता है, जो चौकीदार होते हैं वॉचमैन होते हैं वो गली में ऊपर और नीचे चल रहे होते हैं गली के। द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो सड़क होती है वो डार्क होती है अंधेरे वाली होती है और लोनली, वहाँ पर कोई नहीं होता। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जायंट, जो एक जो स्ट्रीट में जो लैम्प होता है वो किसकी तरह एक जायंट राक्षस की तरह खड़ा होता है, विद वन रेड आई इन इट्स हेड्स, उसके जो ऐसे लगता है वो कोई राक्षस है जिसके जो माथे में उसके जो सिर में एक बहुत ही जो लाल लाइट लगी हुई है वो उसकी आंखों की तरह लगती है उस राक्षस की जायंट की। द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन एंड वॉक विद हिज शैडो एट हिज साइड, और जो वॉचमैन है वो अपनी जो शैडो अपनी परछाई के साथ चलता रहता है उस गली में, वो अपनी जो ड्यूटी है वो कर रहा होता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, वो ऐसे जो बच्चा सोच रहा है कि वो कभी भी रात को नहीं जाता है सोने के लिए, तो बच्चा वो तंग आ चुका है, जो अपने पेरेंट्स है उसको बोलते हैं कि भाई टाइम से सो, टाइम से स्कूल में जाओ, टाइम से खेलो ग्राउंड में, तो सभी काम टाइम पे जो करने होते हैं तो उन बातों से वो बहुत ही तंग आ चुका है। आई विश आई वर ए वॉचमैन, अब वो बच्चा है वो जो वॉचमैन बनने की कामना करता है। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, सारी जो रात है गलियों में घूमता रहूं, फिर हुए चेजिंग द शैडो, परछाइयों के पीछे विद माई लालटेन, जो अपनी लालटेन से जो परछाइयां हैं शैडोज क्या होता है परछाइयां, उनको चेज करता फिर उनके पीछे घूमता फिर। तो इस प्रकार की रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही बढ़िया सी स्वीट सी एक पोइम है, बच्चे की मेंटेलिटी को दिखाया गया है कि भाई बच्चा है वो तो भाई कुछ भी कामना करता है, तो सबसे पहले वो स्ट्रीट हॉकर होता है जो बैंगल बेचने वाला चूड़ियाँ बेचने वाला वो बनने की कामना करता है, फिर वो आगे जाता है वो एक गार्डनर को देखता है अरे इसकी लाइफ भी मेरे से बढ़िया, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, फिर वो रात को वॉचमैन को देखता है और वो वॉचमैन बनने की कामना करता है। तो इस प्रकार जो बच्चे की जो माइंड की स्थिति को दिखाया गया है। आपको जैसे भी ये पोइम लगी हो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।